सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉलिसी। तो कैसे हो आप सब? आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर दिखाने वाली हूँ पटना वुमेंस कॉलेज का। तो हमारे कॉलेज में 13 नवंबर को क्विज़ कंपटीशन हुआ था मदर वेरोनिका के लिए। तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ये जो क्विज़ था ये सारे डिपार्टमेंट्स के लिए था, बीए, बीएससी एंड बीकॉम और वोकेशनल्स के लिए। तो हमारा जो डिपार्टमेंट है वो है बीए, तो मैंने यहाँ पे बीए में टिक किया है। ठीक है, तो ये जो क्विज़ आपका होता है वो आपको 1.5 घंटे का टोटल टाइम दिया जाता है, 1 आवर 15 मिनट्स। ठीक है, तो हमारा जो क्विज़ था वो 9:45 से 11 बजे तक कंडक्ट करा गया था। अब इस क्विज़ में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, और इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो क्विज़ जो होता है ये टोटल 50 मार्क्स का होता है, और इस क्वेश्चन पेपर के साथ आपको एक OMR शीट दिया जाता है जिसमें आपको आंसर्स को करेक्ट करना होता है, टिक करना होता है। ठीक है, और वो बिल्कुल नीट एंड टाइडी होना चाहिए। अगर आपका बिल्कुल अनटाइडी होता है तो सिस्टर्स कलेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ आंसर्स बनाए हुए हैं और कुछ नहीं बनाए हुए हैं, क्वेश्चंस हैं। आप लोगों के पास वेरोनिका बाजार नेम एक बुक होगा, उसी में से ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को क्वेश्चंस अगर और मतलब चाहिए होगा तो आप मुझे बता सकते हैं, अगर आंसर्स चाहिए होगा तो आप कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो क्वेश्चंस आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए, आपको बुक अगर थॉरोली पढ़ोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बुक फ्रॉम विच यू हैव प्रिपेयर फॉर द क्विज? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, वेरोनिका वाज हर नेम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वे ऑफ द क्रॉस? वे ऑफ द क्रॉस का मतलब होता है क्राइस्ट जर्नी टू कैलवरी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, हु इज़ द फाउंड्रेस ऑफ द एपिस्टोलिक कार्मल कंग्रिएशन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मदर वेरोनिका। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ सोफी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोफी लीव्स। व्हेन वाज सोफी बॉर्न? तो 1 अक्टूबर 1823। वेयर वाज सोफी बॉर्न? कॉन्स्टेंटिनोपल। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द नेम ऑफ सोफीज ब्रदर? देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी। व्हाट वाज द नेम ऑफ सोफीज फादर? तो ऑप्शन नंबर ए, हेनरी डैनियल लीव्स। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बनाए हुए हैं और अब आप लोगों को सारे क्वेश्चंस धीरे धीरे दिखा दे रही हूँ। तो अगर आप लोगों का भी प्रिपरेशन हो रहा है, क्विज़ हो रहा है, तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये एक तरीके का फॉर्मेट जो है मैं आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि आप कोई से भी क्विज़ का प्रिपरेशन करते हो, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हो, अगर आपके पास सैम्पल बुक होता है एक साल का भी, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाती है और आपका चांसेस बढ़ जाता है अच्छा स्कोर करने का। सॉरी गाइस, शैडो थोड़ा आ रहा है, एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। ईयर्स बहुत ही अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि ईयर्स यहाँ पे देख सकते हो पूछे जा रहे हैं। तो जो लास्ट का जो पेज है जिसमें कि डेट ईयर्स बताया गया है वो सारा भी इम्पॉर्टेंट है, और जो बुक के जो बीच जो थॉरली पढ़ोगे तो कुछ क्वेश्चंस ईयर का उसमें से भी पूछा गया है, तो आपको बुक अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। टोटल आई थिंक 95 स्टोरीज़ है या 92 स्टोरीज़ है, उसी में से आपसे पूछा जा रहा है। देख सकते हैं बहुत सारा ईयर का क्वेश्चन है और फिर यहाँ पे रिलेशन पूछा जा रहा है, तो रिलेशन भी अच्छे से याद करिएगा। देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है यहाँ पे, 5 मार्क्स का है रिलेशन वाला, और ईयर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैं बता रही हूँ आप लोगों को 15 मार्क्स का है। तो 20 मार्क्स तो क्विज में आपको ऐसे ही आ जाएगा, अगर आपको ये पता होगा कि किसका क्या रिश्ता है और कब कौन सा इंसिडेंट हुआ था, कौन से ईयर में, कौन से दिन को, कौन से तारीख को। ठीक है, बाकी तो फिर आप लोग स्टोरी पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।